वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, टुडे लाइफ के लिए आज की जिंदगी के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं जो आज के टॉपिक से रिलेट करते हैं अब देखिए क्या हमारे पास न्यूज आती है कि मुझे एक फेक कॉल आई और मैंने जैसे ही उस उसपे जो भी उन्होंने कहा मैंने किया और मेरे सारे के सारे बैंक के पैसे जो हैं वो चले गए मुझे एक मैसेज आया मैंने उस मैसेज के लिंक को क्लिक किया और मेरी अकाउंट की सारी डिटेल्स किसी के पास चली गई मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बन रही है ठीक है किसी ने मेरी नाम की अलग से आईडी बनाकर बना दी है और मेरी ही पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और लोगों से पैसे मांग रहे हैं आए दिन ऐसी न्यूज जो है हम सुनते हैं इवन मैं अपना केस भी बताऊं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे नाम की फेक आईडी बना के मेरी ही पिक्चर्स अपलोड कर दी है तो ये तो मतलब रोज किसी ना किसी के साथ होता है तो आज का टॉपिक ही ये है कि आप बनकर कोई किसी से बात कर रहा है आपके अकाउंट की डिटेल्स किसी ने ले ली है इज स्टीलिंग योर आइडेंटिटी और समवन इज स्टीलिंग योर आइडेंटिटी क्वेश्चन ही नहीं रह जाता क्या पता कोई आपकी आइडेंटिटी और समझने वाले हैं इस सिनेरियो में प्लीज एंड तक जुड़े रहिएगा बिकॉज इसके हम एंड में क्या बात करने वाले हैं कि अगर किसी ने आपकी आइडेंटिटी चोरी कर ली है ये आइडेंटिटी थेफ्ट आपके साथ हो गया है तो लॉ आपको क्या रेमेडीज प्रोवाइड करता है क्या सजा होगी जिसने आपके साथ ये काम किया है तो एंड तक जुड़े रहिएगा और गई उससे पहले मैं आपको कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आई अब आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है बिकॉज स्टडी आई अपना स्मार्ट कोर्स लेकर आया है और बहुत ही कम दाम में दैट इज नाइन 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 अगर आप कोड यूज करते हैं शिखा फ्लैश शिखा फ्लैश कोड यूज करने पर आपको जो हमारा आ, स्मार्ट कोर्स बीस हजार का था वो आपको 9999 में मिल जाएगा ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है थर्टी फर्स्ट मे तक हमारा ये जो सेल है वो आपके लिए चल रही है तो गाइज प्लीज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आईएएस प्लीज आप ये जो है हमारा जो कोर्स है आप एक बार चेकआउट कीजिए इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गाइज तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है आपके सामने हैं आप कोई भी लॉ किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में जहन में आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा राइट right? अब बात करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट की मैंने आपसे कहा कि आई डी थेफ्ट आइडेंटिटी थेफ्ट हम बात कर रहे हैं ठीक है जो मैंने कहा कि आपकी आइडेंटिटी जो है स्टील हो रही है वो आइडेंटिटी थेफ्ट से जुड़ी हुई है सो व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट ये हमको जानना है तो देखिए क्या कहा गया है आईडी थेफ्ट और आइडेंटिटी मेनली रेफर्स टू द क्राइम दैट टेक प्लेस वेयर इन अ And uses data. आपका डाटा किसी ने यूज कर लिया गेन के लिए, अपने के लिए कोई आपका डाटा यूज करेगा ना तो ये आपके साथ हुआ है इंक्लूड नेम डेट ऑफ बर्थ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक अकाउंट नंबर क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर फोन नंबर एंड सो फोर्थ इन समे दैट इन्वॉल्व एनी फ्रॉड एक्टिविटी और डिसेप्शन आपका नाम कोई चोरी कर सकता है आपका कार्ड नंबर आपका बैंक अकाउंट की डिटेल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक अकाउंट नंबर डेट ऑफ बर्थ तक आपका कोई और चोरी कर सकता है ये सारा कहां पर आ रहा है आईडी थेफ्ट में आता है अरे ये सब तो छोड़िए जनाब आपके फिंगर तक आपके फिंगर तक कोई चोरी कर सकता है हमने मूवीज में भी तो देखा है ना ये कि फिंगर आपके कोई लेकर चला गया ठीक है और वो फिंगर प्रिंट उसने कुछ ना कुछ किया और उसके बाद में वो फिंगर कहीं ना कहीं लगा दिए जिससे अब आप फंस जाओगे आईडी थेफ्ट यही मामला है ये क्रिमिनल में भी चलता है सिविल में भी चलता है साइबर क्राइम जो है ये मेन चीज साइबर क्राइम भी में भी आता है आज हम साइबर क्राइम के बारे में ही बात करने जा रहे हैं तो आपको ये पता चल गया कि आई थेफ्ट होता क्या है अब बात करते हैं मोड्स ऑफ आई थेफ्ट की बहुत ही अलग अलग वेज हैं जो लोग ये जो hackers लोग ना ये आपके साथ करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हैकिंग क्या होता है हमको हैकिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं है हमको बस एक वर्ड पता है कि हैकिंग लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है ठीक है आज हम आपको पूरा का पूरा एनालाइज करवाते हैं कि वॉट इज हैकिंग द पर्सन नोन एज ब्रेक द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन एनी अदर कंप्यूटर सिस्टम जो हैकर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं भाई आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो पूरा का पूरा उसको यूज करते हैं जो भी डाटा जो भी फाइल्स है वो उनको पता होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अब सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बताया गया है इस ऑफेंस के बारे में दैट ऑफेंस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्स एंड इट डिफाइन एज कि किसी ने आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया तो इसको बताया गया है कि ये क्या चीज है देखिए हूएवर विद द पर्पस और इंटेंशन टू कॉज एनी लॉस डैमेज और टू डिस्ट्रॉय आपका है, और चाहे कोई पब्लिक कंप्यूटर है जनाब उसको हैक कर रहा है अनऑथोराइज एक्सेस कर, कर रहा है आपके कंप्यूटर को किस इंटेंशन से कि उस कंप्यूटर में कोई फाइल मैं ले लू उस फाइल से चोरी कर लू या फिर कोई फाइल को मैं ऑल्टर कर दू ठीक है या फिर किसी फाइल को मैं डिलीट कर दू डिस्ट्रॉय कर दू ये सब काम कोई कर रहा है तो वो क्या कर रहा है हैक, हैकिंग कमिट कर रहा है लॉ की नजर में कौन सा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ऐसे टॉपिक्स आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी काम आते हैं जुडिशरी की प्रिपरेशन में भी काम आते हैं तो देखिए सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इस बारे में बात करता है अब बात करें फिशिंग व्हाट इज फिशिंग अब ये क्या है हैकिंग तो हम सबने सुना होता है और हम ना हर एक चीज को ही हैकिंग में कैटेगराइज कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है व्हाट इज फिशिंग इट यूजेस फेक ईमेल आईडीज और मैसेजेस कंटेनिंग वायरस अफेक्टेड वेबसाइट्स दीज इंफेक्टेड वेबसाइट्स अर्ज पीपल टू एंटर इनटू देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज लॉग इंफॉर्मेशन अकाउंट्स इंफॉर्मेशन अब आपने ये देखा होगा ये आपका अगर ये मान लीजिए आप कंप्यूटर है आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो आप अपनी फाइल आप चला रहे हो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो एकदम से आपको क्या आता है किसी वेबसाइट का लिंक आ जाता है या फिर जब आप गूगल पर ही जाते हो गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो और आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के नाम मिल जाते हैं आप किसी एक अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर क्लिक कर दें अगर वो वायरस से कंटेन हुई तो वो आपसे फिर क्या मांगती है देखिए वायरस जो भी वेबसाइट्स हैं आपके इंफॉर्मेशन तो मांगते हैं जैसे फेसबुक के या फिर लॉग करने के लिए फेसबुक की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है या फिर आपकी गूगल की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है अब आप ये देखो कि अगर आप उस वेबसाइट पर लिंक क्लिक कर देते हो जिसमें वायरस कंटेन है और अगर आपने अपनी गूगल अकाउंट उसमें डाल दिया अब आपको ये पता होना चाहिए आपके गूगल अकाउंट में आपने क्या क्या आपने किया होता है उसके साथ कनेक्ट होता है आपकी गूगल ड्राइव उसके साथ कनेक्ट होती है आपकी गूगल फोटोज उसके साथ कनेक्ट होती है गूगल अकाउंट में जितने भी आपने सारे अकाउंट आप चाहे फेसबुक कह लो जी कह लो सारे के सारे अकाउंट आपने गूगल अकाउंट के साथ सेव किए होते हैं तो ऐसे करके आपकी एक एक चीज किसके पास चली गई उस पर्सन के पास चली गई जिसने वो वेबसाइट बनाई है जो वायरस के साथ कंटेन है ठीक है फेक आईडीज आपको आपको आती हैं ठीक है गई इस तरह से ये फिशिंग काम करती है आए दिन ऐसे केसेस सुनने को आते हैं तो प्लीज तर्क रहिए ऐसे काम मत कीजिए कि कोई भी वेर क्योंकि कई बार ऐसा होता है पता चल जाता है ऐसी वेबसाइट्स का जिन्होंने वाई, जिसमें वायरस कंटेंट होता है और प्लीज़ आप अपने लैपटॉप में एंटीवायरस एक ट्रस्ट वर्दी पक्का डाउनलोड करके रखिए जिस जो आपको बार बार नोटिफिकेशन देगा कि ये वेबसाइट जो है इसमें वायरस है या फिर ये वेबसाइट जो है ठीक नहीं लग रही ये आपको एंटीवायरस नोटिफिकेशन हमेशा देते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट ईमेल और एसएमएस स्पूफिंग ये तो बहुत ही बहुत ही ज्यादा कॉमन है इसमें क्या होता है द स्पूफ्ड ईमेल इज वन विच शोज इट्स ओरिजिन टू बी डिफरेंट फ्रॉम वेयर इट एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन एसएमएस स्पूफिंग द ऑफेंडर स्टील्स आइडेंटिटी ऑफ अनदर पर्सन इन फॉर्म ऑफ फोन नंबर एंड सेंडिंग एसएमएस वा इंटरनेट एंड रिसीवर गेट्स द एस फ्रॉम द मोबाइल नंबर ऑफ द विक्टिम बहुत बार आपको ऐसे चीजें सुनने को मिली होंगी कि आपका नंबर आपको आपके फ्रेंड आपको मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं कि आपने कोई मुझे मैसेज किया आपको कुछ पैसों की जरूरत है क्या और आप आप देखिए अपने घर में बैठे हो आप अपना काम कर रहे हो आपके फ्रेंड का ऐसा कॉल आ गया आपको पहले तो कैसा लगेगा कि मुझे तो कोई पैसों की जरूरत नहीं है क्या हो गया भाई एकदम से आपकी क्वेश्चन पूछूंगी आपका फ्रेंड आपको जवाब दे रहा है कि अभी तो आपने मुझे मैसेज किया कि आपको इतने पैसों की जरूरत है या फिर आपने फेसबुक पर मुझे मैसेज किया या फिर आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया और आप हैरान हो जाते हो आप एकदम से हैरान हो जाते हो कि ये क्या हो गया मैंने तो कोई मैसेज ही नहीं किया फिर किसने मेरे थ्रू मैसेज किया और किसी लोगों से पैसे मांग रहा है बहुत ज्यादा ऐसा होता है फेसबुक में बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं मेरी ही friend, मेरी ही फ्रेंड फ्रेंड के के फादर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है ऐसा होता है बिकॉज होता देखिए पेरेंट्स को भी आप इस बारे में सतर्क रखिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स अब अब बहुत ही न्यू न्यूज फील्ड में आए हैं सोशल मीडिया में आते हैं फेसबुक यूज करते हैं इंस्टाग्राम यूज करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता वो लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं अलग अलग लिंक्स पे जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी चली दिया और फेसबुक के जरिए भी मैसेजेस चले जाते हैं दूसरे लोगों को और इवन एसएमएस के थ्रू भी चले जाते हैं तो प्लीज आप भी सतर्क रहें अपनी फैमिली मेंबर्स को भी सतर्क करें इस चीज के लिए ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कार्डिंग कार्डिंग क्या है द साइबर क्रिमिनल्स मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एटीएम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स टू विथड्रॉ विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट्स ऑफ द इंडिविजुअल क्या होता है कार्डिंग आपकी एटीएम डेबिट कार्ड की ही इंफॉर्मेशन चली गई बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चली गई और क्या कर लिया दूसरे पर्सन ने पैसा है अब आपका पैसा किसी और के पास चला गया आपकी हक की कमाई इतनी जो आपने मेहनत की कमाई की होगी वो किसी और के पास चली जाती है इसमें कार्डिंग के जरिए नेक्स्ट आ जाइए विशिंग व्हाट इज विशिंग द साइबर क्रिमिनल कॉल्स विक्टिम बाय बायोजिंग टू बी अ बैंक रिप्रेजेंटेटिव और कॉल सेंटर कॉल सेंटर इंप्लॉय दे बाय फूलिंग देम टू डिस्क्लोज़ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनल आइडेंटिटी ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है रोज हर इंसान को रोज एक कॉल पक्का आती होगी कि हम किसी पर्टिकुलर बैंक से बात कर रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में ये ये हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है या फिर आपके बैंक अकाउंट में हम आपको और भी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो अकाउंट नंबर है वो देना पड़ेगा ओ आपके पास आएगा वो सब आपको देना पड़ेगा आए दिन आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है ऐसे कॉल्स आती हैं पेरेंट्स के पास तो बहुत ज्यादा आती हैं मैं हमेशा बार बार आपको कह रही हूँ कि प्लीज अपने पेरेंट्स को भी इस चीज के बारे में बताइए

हमें तो पता चल गया एक टॉपिक है हमें उसके बारे में पता चल गया लेकिन लॉ क्या बात करती है ऐसे कौन से हमारे इंडिया में लॉ है जो आइडेंटिटी थेफ्ट को गवर्न करते हैं और इस क्रिम क्राइम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कब करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए सबसे पहले हम आईपीसी की बात करें दैट इज इंडियन पिनल कोड यहाँ पर हमारे अलग अलग जो है ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है देखिए जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो से बहुत ज्यादा रिलेट करती है ठीक है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेट करती है तो देखिए सेक्शन 464 सिक्सरी सेक्शन फोर सिक्सिंग सेक्शन फोर सिक्सटी एट फॉर्जरी फॉर ऑफ चीटिंग सेक्शन फोर सेवन सेवन यूजिंग एस जेनुअन फोर्ज डॉक्यूमेंट एंड सेक्शन फोर सेवन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नोन टू बी फोर्ज एंड इंटेंडिंग टू यूज इट एज जेनुअन ये सारे सेक्शन बताता है कि अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट है आपने वो बनाया या फिर आप फॉल्स डॉक्यूमेंट को आ, क्या कर रहे हो चीटिंग के लिए आप फॉर्जरी के लिए यूज कर रहे हो कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट है उसको आप एज अ जेन्युअन डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो ठीक है आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट को पोजेशन में रखा है और आप उसको जेन्युअन ही बना रहे हो ये सारे के सारे हमारे ऑफेंसेज हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में दिए गए हैं आईपीसी आईपीसी इन सेक्शंस के साथ आईटी एक्ट को कपल करती है उसके सेक्शन को भी लगाती है दो सेक्शंस हमारे आईपीसी में न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेक्शन सेक्शन एंड और ये क्या बात करते हैं सेक्शन 147 ए बात करता है चीटिंग बाय यूजिंग एनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन शेल बी पनिश्ड विद इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म दैट मे बी एक्सटेंड टू थ्री इन और विद अगर किसी दूसरे पर्सन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर आपने ले लिया तो कितने साल की सजा तीन साल की सजा फाइन लगेगा या फिर दोनों अब सेक्शन 419 ए क्या बात करता है चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन यूजिंग अ नेटवर्क और कंप्यूटर सोर्स इम्पर्सोनेशन आपकी आइडेंटिटी को कोई और बन रहा है मतलब आपको ही इम्पर्सोनेट कर रहा है ठीक है यूजिंग कोई नेटवर्क या फिर कंप्यूटर सोर्स के जरिए तो क्या सजा है पांच सालों की सजा या फिर फाइन या फिर बोथ देखिए कितनी ही लंबी सजा है तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है मतलब अगर आपके साथ किसी ने ऐसी चीजें कर दी हैं आपको इम्पोर्सोनेट कर दिया है आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है डरने की घबराने की जरूरत नहीं है लॉ आपके साथ है अब आईटी एक्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में क्या क्या प्रोविजन दी गई है अब देखिए सेक्शन फोर्टी बात करता है कि अगर किसी ने भी विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर डैमेजेस टू द कंप्यूटर सिस्टम मतलब अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम किसी और ने लिया और उसको डैमेज कर दिया तो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा और कितना पे करना पड़ेगा ये यहाँ पेक्शन फोर्टी थ्री में बताया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है अब सेक्शन सिक्सटी सिक्स बात क्या करता है कि आपका कंप्यूटर डैमेज तो किया किसी ने लेकिन किस इंटेंशन से डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली ठीक है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आपका कंप्यूटर यूज किया या फिर आप फ्रॉड तरीके से यूज किया है तो उसको क्या सजा मिलेगी पांच लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे एज अ फाइन और तीन साल की सजा जरा बहुत ज्यादा बहुत बड़ी सजा है स्टूडेंट्स स्टु, तो डरने की घबराने की जरूरत नहीं है किसी ने आपके कंप्यूटर को डैमेज किया है डिलीट किया है उसकी फाइल में डरने की जरूरत नहीं है लॉ आपके साथ खड़ा है सेक्शन सिक्स बी क्या बात करता है कि पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर कोई कोई चोरी किया हुआ कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो अपने पास लेकर आ रहा है कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब फोन है चोरी किया हुआ अपने पास वो रख रहा है उसको भी सजा मिलेगी तीन साल की सजा फाइन चला जाएगा वन लैख और या फिर दोनों ही होगा बहुत लंबी सजा है ठीक है तो फिर से मैं कह रही हूँ घबराने की जरूरत नहीं आपका फोन चोरी हो गया किसी ने आपका फोन चोरी रखा हुआ है बस उसको सजा मिलेगी टेंशन कोई कोई बात नहीं नहीं लेनी लो आपके साथ खड़ा होता है सेक्शन 66 सी बात करता है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में कि किसी ने भी फ्रॉडली डिसऑनेटली आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज कर लिया पासवर्ड आपका यूज कर लिया या फिर कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर आपका फिंगर प्रिंट हो गया कोई भी अलग अलग आपका यूज किया है तो उसको क्या इम्प्रेजमेंट होगी तीन साल की का सजा मिलेगी और फाइन जो है वन लाख रुपीज हो जाएगा ठीक है तो ये देखिए लॉ किस तरह से आपका साथ देता है आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा 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 हमने आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में देखा, उसके अलग अलग वेज देखे हैकिंग देखा, विशिंग देखा, SMS, देखा, क्या क्या नहीं देखा जो आपके साथ आए दिन होता है एक एक चीज हमने देखी है और लॉज हमने देखे कि कौन सा लॉ किस बारे में बात करता है और कितनी पनिशमेंट लॉ में दी गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर कोई आपकी आइडेंटिटी स्टील कर रहा है लॉ के पास चाहिए लॉ आपका साथ देगा तो गाइज आज के सेशन में इतना ही हम नेक्स्ट uh, सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे और लॉ के बारे में बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए थैंक यू सो मच गाइज